क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर डेली रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बहुत ही सिंपल वेजिटेबल मैक्रोनी। तो जिसके लिए हमें चीज़ें चाहिए, मैक्रोनी ली है मैंने 1 कप। आप जिस मर्जी स्टाइल की मैक्रोनी ले सकते हैं, मैंने छोटी वाली ली है, अगर आप बड़ी लेना चाहते हैं बड़ी ले लें। गाजर ली है मैंने 1/2 कप कटी हुई, इस तरह काट लें छोटा छोटा। शिमला मिर्च ली है 1/2 कप कटी हुई, बंद गोभी ली है 1/2 कप कटी हुई, प्याज ली है छोटी वाली कटी हुई, सिरका लिया है 1 टेबल स्पून, सोया सॉस ली है 1.5 टीस्पून, चिली सॉस ली है 1 टेबल स्पून, नमक लिया हसबे जायका, ब्लैक पेपर पाउडर लिया है हमने 1 टीस्पून, वाइट पेपर लिया है 1/4 टीस्पून और ऑयल लेंगे 1 टेबल स्पून। तो सबसे पहले हम मैक्रोनी को बॉईल करेंगे। मैक्रोनी को बॉईल करने के लिए सॉस पैन लेंगे, उसमें 2 कप पानी डाल देंगे, 1 कप ये दूसरा कप, थोड़ा सा नमक डाल देंगे, थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे करीबन 1/2 टीस्पून और उसको बॉयल आने देंगे। उसके बाद इसमें मैक्रोनी डाल देंगे, पानी में बॉयल आ गया, अब इसमें मैक्रोनी डाल देंगे और इसे तकरीबन 5 मिनट तक पकाएंगे। पाँच मिनट हो चुके हैं, ये बॉयल हो चुके हैं, इन्हें हम छानेंगे। अब हमने इन्हें बॉयल किया था मीडियम फ्लेम पे, नॉर्मल पानी डालेंगे इस पर। और इसको छान लेंगे। अब हम वेजिटेबल को फ्राई करेंगे। एक बर्तन में ऑयल डालेंगे, कटे हुए प्याज डाल देंगे, हल्का सा इनको फ्राई करेंगे। अब इसमें डालेंगे कटी हुई गाजर, इसको फ्राई करेंगे तकरीबन 2 मिनट तक। इसे हम फ्राई करेंगे। गाजर फ्राई हो चुकी है, अब इसमें कटी हुई शिमला मिर्च डाल देंगे, इसको फ्राई करेंगे। अब इसमें डालेंगे कटी हुई बंद गोभी, इसको हल्का सा फ्राई करेंगे 1-2 मिनट। ये हो गई। अब इसमें डालेंगे नमक, सिरका, चिली सॉस, मिक्स करेंगे। अब इसमें डाल देंगे बॉयल की हुई मैक्रोनी, मिक्स करें। साथ में डालेंगे सोया सॉस, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर और इसे मिक्स करेंगे। 1-2 मिनट तक रहने देंगे, उसके बाद इसे डिश आउट कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करें। क्या है वेजिटेबल मैक्रोनी, इसे आप डिश आउट कर लेंगे, उसे प्लेट में निकालेंगे। तैयार है वेजिटेबल मैक्रोनी। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस बटन पर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।